दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और एक बार फिर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का दौर लगातार जारी है, लगभग एक बज चुका है और एक बजे तक की जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के साथ एक बार फिर सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है, यानी कि तीसरी बार बीजेपी सरकार। कांग्रेस के पास 4 सीटों की बढ़त है, 4 या 5, जो पहले 30 थे उससे बढ़कर वो 34-35 तक जा रहे हैं। कैसा माहौल बना हुआ है पलवल की बात करें तो पलवल विधानसभा क्षेत्र से गौरव गौतम बहुत बड़ी लीड्स के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। हथीन से मोहम्मद इजराइल चुनाव जीतने की तरफ है तो होडल के अंदर कांटे की भिड़ंत है। हरियाणा का सिनेरियो, पलवल का सिनेरियो, फरीदाबाद का सिनेरियो, इन सबको लेकर चर्चा में है और मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के नेता राजीव कत्याल जी। नमस्कार राजीव जी, बधाई दे दें आपको। बिल्कुल बधाई की बिल्कुल अवसर है, बधाई आपको देनी चाहिए और मुझे नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को देनी चाहिए जी। हरियाणा के अंदर आपकी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, बिल्कुल। जो अभी तक का जो रुझान दिख रहे हैं, जो आंकड़े हैं, जो अनुमान है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि चुनाव आयोग डेटा अपडेट नहीं कर रहा अब तक भी। देखिए संजय जी, सर्वप्रथम तो मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को भाजपा की जो प्रचंड जीत जो दिख रही है, जो महसूस हो रही है, और इसमें अब लगभग थोड़ा ही समय शेष है क्योंकि काफ़ी राउंड की गिनती हो चुकी है जी, और लगभग ये तय होने चला है कि भाजपा लगभग 51 सीटों पर आगे है। अगर आप देखें तो भाजपा की 10 साल से हरियाणा में सरकार थी और जो भाजपा का पहला प्रदर्शन था 10 साल के बाद, जो आज जो प्रदर्शन है, ये लोगों ने मोहर लगा दी कि लोग भाजपा में अपनी आस्था रखते हैं और हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य बन गया जहां लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कांग्रेस पार्टी के लोग अब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मुझे नहीं लगता उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पहले लोकसभा के चुनाव में और उसके बाद अब विधानसभा के चुनाव में पूरा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, हुड्डा जी की सरकार आएगी, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। लेकिन जनता ने दिखा दिया कि कांग्रेस के नेताओं के कहने से काम नहीं चलता, जनता क्या चाहती है उससे पता चलता है कि जनता के मन में क्या है जी। राजीव जी, जब चुनाव डिक्लेयर हुआ था हरियाणा का जी, या उससे पहले चलते हैं, 11 मार्च 2024 जी, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और मनोहर लाल मुख्यमंत्री पद से चले गए, रुखसत हो गए। उसके बाद हालांकि उनको लोकसभा का टिकट मिला, लोकसभा का चुनाव जीते, देश की सरकार के वजीर बने, लेकिन जब सिनेरियो वो चेंज हो रहा था 2024 की 11 मार्च को जी, तो लोग कह रहे थे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को अगला पता लगने लगा इसलिए इन्होंने चेहरे मोहरे बदलने शुरू कर दिए। चुनाव शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा का, पहले लोकसभा का हुआ, 5-5 सीटें दोनों पार्टियों ने ले ली जी, बीजेपी ने 5 और कांग्रेस ने 5। कांग्रेस के लोग दमादम थे कि देखिए 9 पे लड़े थे, 5 जीत गए, एक सीट उनकी इंडिया गठबंधन में थी। अब जब विधानसभा का चुनाव शुरू हुआ जी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नारा दिया हुआ था कि एक ही बात होती थी सिर्फ कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। ये क्या घमंड था कांग्रेस वालों का या जिसको जनता ने पसंद नहीं किया? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं, मैं उन दोनों हिस्सों का जवाब देना चाहूँगा जी। पहला, आपने कहा कि 11 मार्च 2024 जी, जब माननीय मनोहर लाल जी को आपने बोला कि रुखसत कर दिया गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, और हम पहले से, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी हैं, वो हमारे देश के एक बड़े नेता हैं। खाली हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में जो उनका अनुभव है उसकी ज़रूरत माननीय मोदी जी को महसूस हुई और उनको हरियाणा के साथ, हरियाणा में 9.5 वर्ष से वो डिलीवर कर रहे थे। उन्हीं की अगुवाई में अगर आप देखेंगे क्षेत्रवाद की राजनीति खत्म की गई, बिना पर्ची बिना खर्ची का जो नारा आज पूरे देश में लिया जाता है कि हरियाणा में एक ऐसी सरकार थी जहाँ पर इस रिवायत को तोड़ा गया कि जहाँ पर सिफारिश चला करती थी, पर्ची चला करती थी, खर्ची चला करती थी, तो उन्होंने जो एक शुरुआत दी और जो क्षेत्रवाद की राजनीति को खत्म किया, आज ये जो सरकार आई है इसमें नायब सिंह सैनी जी ने तो 6 ये जो मार्च के बाद से कार्य किया उसका तो परिणाम है ही है, लेकिन मनोहर लाल जी ने जो नींव बना दी थी उसका बहुत बड़ा योगदान है जो आज भाजपा 51 सीटें जीतने जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको लोकसभा स्तर पर जिम्मेवारी दी गई और उनको MP भी बने और बड़े मार्जिन से वो MP का चुनाव जीते और उनको बड़े मंत्रालय दिए गए। अगर कोई ऐसी बात होती रुखसत करने वाली या कोई और उस पर पीछे बात होती तो उनको इतने बड़े मंत्रालय ना दिए जाते। अब बात रही जो आपने बोला भाजपा जा रही है कांग्रेस आ रही है, ये जो कांग्रेस ने पहले लोकसभा के चुनाव में
एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी दलित समुदाय के अगेंस्ट है पूरे देश के अंदर। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि लोगों में एक बात चलाकर कि ये संविधान बदल देगी भाजपा अगर आई सरकार में आई, आरक्षण खत्म कर देगी। तो पहले मैं अपने आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, जनता ने उनको सिरे से नकार दिया और ये बात उन्होंने मुंह की खाई और हमारी केंद्र में सरकार बनी। सरकार बनने के बाद ना वो कहीं आरक्षण खत्म हुआ, देखिए आपके सामने है सरकार बने तो काफी दिन हो चुके हैं, 4 महीने ज्यादा हो गए बिल्कुल। तो इसी प्रकार अब इन्होंने एक विधानसभा के चुनाव में कोशिश करी लोगों के माइंड में साइकोलॉजिकली बात डालने की कि क्योंकि 5-5 सीट आई थी, इन्होंने इस बात का फायदा लेकर एक कोशिश करी कि कांग्रेस आ रही है भाजपा जा रही है। लेकिन आज जो रिजल्ट है वो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, इनको जो आत्मविश्वास नहीं, इन्होंने कोशिश की थी, इनको पता था ये हारेंगे दोबारा जी। तो ये तो एक नरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हमारी जो पूजनीय जनता है हरियाणा की, उन्होंने उस नरेटिव को धराशायी कर दिया और जो CM इन वेटिंग थे वो मुझे तो लगता है उनकी राजनीति का अंत, जनता ने जो अपना मतादेश दिया उससे राजनीति का अंत कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है इसमें। राजीव जी, हरियाणा के अंदर अभी चुनाव परिणाम सारे आए नहीं, चुनाव परिणाम आ रहे हैं, आप भी टीवी स्क्रीन देख रहे होंगे, हम भी देख रहे थे, लगातार उस पर नज़र आपकी भी है, लगातार नज़र हमारी भी है जी। कई ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे इस चुनाव में हारने भी जा रहे हैं जी। कंवरपाल गुर्जर आपके बड़े मंत्री थे जगाधरी से, वो चुनाव हार गए। कंवरपाल गुर्जर को अगर मैं छोड़ूं तो आगे चलते हैं, अगर आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, बादली से वो चुनाव हारने की तरफ है। कैप्टन अभिमन्यु बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, नारनौंद से हारने की तरफ हैं। अटेली से बड़ी नेत्री यूं कि वो बड़े नेता की बेटी हैं राव इंद्रजीत सिंह की जी, चुनाव में पीछे चल रही हैं। क्या ये जो बड़े चेहरों को जनता नकार रही है और छोटों को आगे ला रही है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए संजय जी, पहली बात तो अभी चुनाव परिणाम अभी जब आएगा इन सीटों पर जो आपने बात करी, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर भी भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे जिन बड़े चेहरों की आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कमोवेश अगर आप सारा एक एज ए मैंडेट बात कर रहे हैं कि नए चेहरे आ रहे हैं, पुराने चेहरों पर कम पसंद कर रहे हैं लोग, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो कमल के फूल को पसंद करता है। वो मोदी जी की नीतियां क्या राष्ट्र के लिए रही आप इस चुनाव में भी देखेंगे, जिस प्रकार मोदी जी देश को लेकर आगे चले हैं तीसरी बार सरकार आने के बाद भी, और हमारे जो देश का जो सम्मान पूरे विश्व समुदाय में बढ़ा है, ये सब कुछ कारण है जिनकी वजह से हमारे जो मतदाता हैं उनका जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर है। अगर कोई एक दो बड़े नेता अगर मैं कहता हूं किसी कारण से रह भी जाते हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का पलवल जिले का उपाध्यक्ष भी हूं, आपने देखा होगा जो जीते भी अगर आप देखें, राजस्थान में देखें चाहे मध्य प्रदेश में देखें, अगर हमारे बड़े नेता जीते उसके बाद भी तब्दीली करी हमारी हमारी पार्टी ने, संगठन ने, वसुंधरा राजे जी हमारी बहुत बड़ी नेता थी जी, उसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री ना बनाकर एक हमारे जो पुराने कार्यकर्ता पार्टी के महामंत्री रहे भजनलाल शर्मा जी, उनको दायित्व दिया गया, मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश में दिया गया। इसी प्रकार जनता भी चाह रही है कि नए लोग आ गए हैं, युवा राजनीति का आगाज हो, तो जनता का जो मतादेश है सरकार हमारे संगठन के सामने है और उनको नई नई जिम्मेवारियां भी मिलेंगी सरकार में। मैं तो ये कहता हूं कि नया जोश जो होता है, युवा जोश, नई सोच, वो आगे बढ़नी भी चाहिए। राजीव जी, पलवल पे आता हूं जी, आप भी टिकट की दौड़ में थे बिल्कुल, टिकट आप भी मांग रहे थे जी, आपको टिकट मिला नहीं, टिकट मिला गौरव गौतम को बिल्कुल। गौरव गौतम भारतीय जनता पार्टी के पलवल से कैंडिडेट हुए, दीपक मंगला, राजीव कत्याल और तमाम जो भी नाम थे वो सभी लोग पीछे रह गए जी। चुनाव शुरू हो गया, पलवल के अंदर जब टिकट हुआ था तो लोग कहते थे या चर्चा ये चल पड़ी थी या विपक्ष कहता था जी, कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बाईपास दे दिया, कांग्रेस को सीधा मौका दे दिया, ये हो जाएगा। और चुनाव परिणाम क्या कहेंगे इस सब पर, अगर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ तो? देखिए सबसे पहले तो क्या टिकट कटने का, टिकट ना मिलने का और फिर ये सब कुछ? देखिए मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा जी। मेरे पिताजी भी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, हरियाणा सरकार में हैफेड के चेयरमैन भी रहे जी। वो भी पिछली बार उन्होंने टिकट मांगा था 2019 में और उनको टिकट नहीं मिला, तब भी मेरे पिताजी माननीय उस समय के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उनको कहकर आए थे कि ठीक है टिकट हमें नहीं मिली लेकिन पलवल जिले की 3 सीटें आपको जीत के देंगे। तो हमने पूरे चुनाव में मेहनत करी और 3 सीटें पिछली बार जीती थी। अब इस बार की जब बात है, मैं इस बार
टिकट के लिए प्रयासरत था, जनता की इच्छा भी थी, हमारे जो वर्कर्स हैं सपोर्टर्स हैं उनकी इच्छा भी थी कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि लोग युवाओं को चाह रहे थे कि युवा आगे आएं। तो मैं भी काफ़ी प्रयासरत था, मैं भी जा रहा था। जो सारी जो आज जो जीत आई है हमारे पलवल से, इतनी भव्य जीत हुई है, जो ये किसी एक व्यक्ति की मेहनत का परिणाम नहीं होता संजय जी, इसमें कलेक्टिव एफर्ट होते हैं, बहुत सारे लोग संगठन में जुटकर मेहनत कर रहे होते हैं, मेरी तरह और भी बहुत लोग मेहनत कर रहे थे, कई लोग और भी टिकट मांग रहे थे। तो निश्चित रूप से जब टिकट नहीं मिलती थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन उस दुख को पीछे कर कर आगे बढ़ना होता है। पार्टी की जो नीतियां होती हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची लोगों को रोजगार, युवाओं के रोजगार के लिए विकास के नए संसाधन हम बनाएंगे। उन पहले दिन जब गौरव गौतम जी को टिकट मिली और उनका नामांकन का जुलूस था, जो उनकी गाड़ी थी उसमें माननीय कृष्ण पाल जी आए थे, उनके साथ थे राजीव गत्याल, वो व्यक्ति था जो पूरे हुड्डा से चौक से शुरू कर कर एक एक दुकान पर, मैं पर्सनली, मैं ऊपर स्टेज पे ना, उस पर गाड़ी में ना रहकर मैंने पर्सनली एक एक दुकान पर जाके सबसे हाथ जोड़कर वोट मांगी थी पहले दिन ही। उसके बाद पार्टी ने मेरी जो भी ड्यूटी लगाई, हमारे बहुत से नेता ऐसे आए थे, आप देखें नंदी गुप्ता जी जो इलाहाबाद से हमारे हैं और कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो आए, उनके साथ बैठकर मैंने रचना बनाई कि कैसे राजनीति हमें यहाँ पर संरचना करनी है, कैसे वोट बढ़ानी है। चाहे हमारी जो प्रभारी प्रवासी प्रभारी बनी हुई थी स्वाति सिंह जी, जो पूर्व मंत्री हैं यूपी से, वो आई, उनके साथ मिलकर काम करना, स्ट्रेटेजी बनाकर किसी भी लेवल पर कोई काम करना था। माननीय मनोहर लाल जी भी हमारे पलवल आए, उन्होंने तो मुझे स्टेज पे खड़ा करके सबके सामने भी ये कहा, भाई गौरव गौतम और आप दोनों साथ चलेंगे, ये मत सोचना कि आपकी टिकट कट गई, जिसकी टिकट कट गई वो भी पलवल से प्रत्याशी है। तो मैं तो बताना चाहता हूँ, जब हमारे तो नेता मनोहर लाल जी मेरे नेता हैं, उनको मैं अपना आदर्श भी मानता हूँ, उनका आदेश भी था और वैसे भी मेरे लिए तो संगठन सबसे बड़ा है। तो हमने ऐसा कोई बात नहीं है, जो आपने बोला कि भाजपा ने बाईपास दे दिया, भाजपा के सब नेताओं ने मिलजुल कर जिस भी लेवल पर उनकी ड्यूटी लगी गौरव गौतम जी के लिए प्रयास किया, और आज उसी का परिणाम है कि हम करण दलाल जी जो इतने कद्दावर नेता थे हरियाणा के, आज लगभग 50,000 के मार्जिन के आसपास से वो चुनाव हारने जा रहे हैं। जी राजीव जी, अभी आपने नाम लिया मनोहर लाल जी का, अभी लिया, उससे पहले लिया, उससे पहले लगातार नाम ले रहे थे पूरे चुनाव के दौरान में जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां आए कहीं उनके साथ मनोहर लाल नहीं थे जी। एक हिसार की सभा में मनोहर लाल थे, तो मनोहर लाल जी के साथ में इस्तकबाल तक भी मोदी जी का नहीं हुआ। तमाम जितने भी विश्लेषक थे सभी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता से जा रही है तो कारण मनोहर लाल। नायब सिंह सैनी ने कहते थे बहुत अच्छे काम किए और मनोहर लाल ने पार्टी का भंडाधार किया जी। भारतीय जनता पार्टी के भी जो इंटरनल सोर्स थे वहाँ से भी बात आती थी कि भाई बीजेपी के जो मनोहर लाल जी खट्टर थे वो कार्यकर्ताओं से दूर थे, लोगों से दूर थे। अब चुनाव परिणाम जब आ रहा है, खासकर करनाल की बात करूँ जो उनकी लोकसभा है, बिल्कुल मनोहर लाल जी की 9 विधानसभा सीटें हैं, उसके अंदर 5 करनाल में और 4 पानीपत में, और 9 की 9 सीट पर जो अभी तक के रुझान है या जो रिजल्ट भी आ गए उनमें भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ है। बिल्कुल, मेरा सवाल ये है कि क्या ये सब कहना उस समय ठीक था जो मनोहर लाल जी के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा था, और अगर आज पार्टी आ रही है तो क्या उसका सेहरा भी क्या मनोहर लाल पर? देखिए संजय जी, मैं आपको इस पे बताना चाहता हूँ कि मनोहर लाल जी अगर प्रधानमंत्री जी के मंच पर कहीं नहीं थे तो इसके पीछे संगठन की एक सोच होती है कि किसी जगह पर हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचे, उन्होंने जनता से मुखातिब हुए। कोई इतना बड़ा हरियाणा है और चुनाव में जो प्रचार का टाइम थोड़ा ही होता है, कोई ज़्यादा चुनाव का प्रचार का टाइम नहीं होता, तो कहीं पर मनोहर लाल जी जा रहे थे, कहीं पर हमारे मोदी जी जा रहे थे। दोनों बड़े नेता हैं, मोदी जी राष्ट्रीय लेवल पर और मनोहर लाल जी हमारे हरियाणा के तो सर्वमान्य नेता हैं ही हैं, उसके साथ राष्ट्रीय, वो भी हमारे राष्ट्रीय नेता भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो पार्टी की सोच थी कि कहीं पर रैलियां, कहीं पर जलसे मनोहर लाल जी के किए जाएं और किसी एरिया में मोदी जी की रैली की जाएं। इस सोच के तहत मनोहर लाल जी अलग जगह थे, लेकिन इसके पीछे कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे वो ये नैरेटिव सेट करना चाहते थे कि देखिए मनोहर लाल जी को पीछे रख रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते थे, इस वजह से वोट लेने की कोशिश करना चाहते थे कि मनोहर लाल जी ने अच्छे काम नहीं किए, इस वजह से इनको हटाया गया, इनको रुख्सत किया गया, और अब देखिए प्रधानमंत्री जी इनको साथ लेकर नहीं चल रहे। मैं बताना चाहता हूं, अगर मनोहर लाल जी ने अच्छे कार्य नहीं किए होते तो नायब सैनी जी तो सिर्फ 6 माह के लिए जी मुख्यमंत्री रहे। अगर लोगों को गुस्सा होता हरियाणा की जनता को मनोहर लाल जी से, तो 9.5 साल का जो कार्यकाल है वो ज्यादा हावी रहता रिजल्ट के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, नायब सैनी जी सौम्य व्यक्ति हैं,
वो जनता से मिलते हैं, हर किसी का वर्किंग स्टाइल अलग होता है। जो मनोहर लाल जी हैं वो पॉलिसीज बनाकर, नई नई पॉलिसीज बनाकर, उनको नई शुरुआत कर उन्हें लागू कर वो इस तरीके के नेता हैं कि वो नई चीजें लाते थे। और जो हमारे नायब सैनी जी हैं वो जनता में ज्यादा रहकर जनता से सीधा संवाद कर करने वाले नेता हैं। दोनों का वर्किंग स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन दोनों की जो सोच है हरियाणा के लोगों के हितों को साधने के लिए, कैसे नई नई योजना बनाई जाए और अंतिम व्यक्ति तक कैसे उसका लाभ पहुंचाया जाए, तो दोनों नेता बिल्कुल तारतम्य से लगे रहे। और एक बात तो मैं और बताना चाहता हूँ, नायब सैनी जी तो शुरू से ही उन्होंने जो सारा का सारा जो अपना ट्रेनिंग ली, मैं कहूँगा जो उनको सारा के सारे गुर मिले हुए हैं वो तो सारे मनोहर लाल जी से मिले हुए। गुरु दीक्षा दी जाएगी मनोहर लाल जी को। देखिए मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने तो ये सारी संस्तुति जो थी वो तो हमारे मनोहर लाल जी ने, उनका नाम भी सुझाया था कि इन पे दायित्व दिया जाए, और उनकी मर्जी से सब कुछ हुआ था। जी राजीव जी, बात चल रही थी अभी मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी की। जी मनोहर लाल जी की जो पॉलिसीज थी उनको लेकर, कुछ पॉलिसी ऐसी थी कि जिनको कांग्रेस वाले लोग जो थे, विपक्ष के लोग थे, वो उनको टारगेट करते थे। जैसे परिवार पहचान पत्र को राहुल गांधी जब आए तो उन्होंने कहा परिवार उन्होंने कहा परिवार प्रताड़ना पत्र। जी प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी का उन्होंने इस प्रकार का बना दिया कि आम आदमी, आम लोग दुखी रहे उससे। जी कुछ पॉलिसी ऐसी, ये तो विपक्ष के लोग हुए, कुछ ऐसी योजनाएं थी कि जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा के मुखिया नायब सिंह सैनी, जैसे सरपंचों के पास राइट्स थे जी, तो मनोहर लाल जी ने वो राइट्स कम किए और उसके लिए सभी जगह पे ई टेंडरिंग और ये पॉलिसीज जारी की। बिल्कुल नायब सिंह सैनी ने उनको वापस ले लिया, सरपंचों को राइट्स दे दिए। उसके अलावा नहीं, उन्होंने उनकी सीमा बढ़ाई, उनकी राइट्स सारे नहीं लिए। नहीं नहीं, जैसे देखिए आपके राइट्स जो थे जी सरपंचों के पास में, जब मनोहर लाल जी थे तो उन्होंने जो सरपंचों को राइट्स जो होते थे विकास डेवलपमेंट कराने के लिए जी, वो 2 लाख तक की सीमा छोड़ दी थी नायब सिंह, और सरपंच चाहते थे 10 लाख तक हो। नायब सिंह सैनी जी ने जितना वो चाह रहे थे उसे डबल कर दिया, सीमा बढ़ाई ना, लेकिन ई टेंडरिंग से ही हो रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, ई टेंडरिंग नहीं, उसमें ही कर दिया कि अब सीधे टेंडर कर सकते हैं वो। ठीक है सरपंचों, यानी कि क्या आपको लगता है कि कुछ जो कदम मनोहर लाल जी के उनको लगा कि ठीक नहीं है, उनको यू टर्न लिया गया, यू टर्न कहें उनको या फिर उनकी समीक्षा हुई? देखिए मैं बड़ा, आपने अच्छा सवाल पूछा, आपने सबसे पहले बोला मनोहर लाल जी ने नई नई पॉलिसीज लाई जी, तो मैं कहना चाहता हूँ एक बहादुर व्यक्ति होता है जो ढर्रे से अलग राजनीति करता है। ढर्रे की राजनीति तो वो लोग करते हैं जो सेफ जोन में रहना चाहते हैं, लीक पर चलना, तो जो लीक पर चलते हैं। मनोहर लाल जी ने परिवार पहचान पत्र जब वो लेकर आए, ये ऐसी पॉलिसी थी, इसका प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए उनको बोला कि ये सबसे स्वागत योग्य जो कदम उठाया, और हरियाणा में जो ये पीपीपी मॉडल लेके आए पूरे देश में हम लागू करना चाहते हैं। उस समय जो आंध्रा में सरकार थी वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो भी यहाँ पर आकर इस पॉलिसी के बारे में पूछ के गए, और उन्होंने बोला मैं भी वहाँ लागू करना चाहूँगा इसको, हालांकि उनके पास टाइम कम था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके अलावा जो आपने बात करी प्रॉपर्टी आईडीज की, निश्चित रूप से जब कोई नई पॉलिसी लागू की जाती है तो नई पॉलिसी लागू करने में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं जी। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने वो पॉलिसी को नकार दिया, पॉलिसी में जो कमियां थी जिसकी वजह से असुविधा हो रही थी उसको ठीक करने के प्रयास किए जाने चाहिए थे। तो लोगों ने, अगर उस योजनाओं पे लोगों का विश्वास ना होता तो आज ये परिणाम ना होता जो परिणाम सामने। तो मैं बताना चाहता हूँ मनोहर लाल जी की जो पॉलिसीज थी आज भी वो पॉलिसी यथावत लागू है, आज भी परिवार पहचान पत्र है, आज भी प्रॉपर्टी आई डी है, कोई भी बदली नहीं गई। ऐसा नहीं है कि नायब सैनी जी ने उसको खत्म कर दिया। नायब सैनी जी ने एक बात कही थी, ईज ऑफ डूइंग होनी चाहिए, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है इसके कार्यान्वयन में तो उसको ठीक किया जाए, उसके लिए कदम उठाए जाए। तो मनोहर लाल जी की पॉलिसीज ही है जिसका ही परिणाम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा मनोहर लाल की नीतियाँ जी, और फिर 6 महीने की नायब सैनी की कार्यशैली जी, और प्रधानमंत्री का प्रचार और भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सब मिला जुला कह दें। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रहित में मतदान हुआ है, इसके बावजूद 4 मंत्री आपके हार गए। देखिए कंवरपाल गुर्जर चुनाव हार गए जगाधरी से, बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे जी, 2 बार MLA थे। सुभाष सुधा थानेसर से हार गए, नहीं सुभाष सुधा नहीं हार गए, हार चुके हैं, डिक्लेयर हो गया ओके, वो चुनाव हार गए थानेसर से, सुभाष सुधा चुनाव हार गए जी, मुकाबला चलता रहा बाद में चुनाव एंड हार गए वो। सुभाष सुधा भी पावरफुल स्थानीय लोकल बॉडी मिनिस्टर थे, नायब सिंह सैनी के बहुत नज़दीक हैं जी। अगली अगर देखें तो कमल गुप्ता चुनाव हार गए, हिसार के थे और बड़े पावरफुल नेता थे, कद्दावर नेता थे। चलो वहाँ तो सोच लेंगे कि शायद आपकी
सावित्री जिंदल राजे की बात होगी, कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल कह सकते हैं, हमारे एमपी हैं, उनकी मदर हैं वो, मदर है और वो भाजपा में ही थी, भाजपा से टिकट चाह रही थी वो। हाँ फिर कांग्रेस भी लेने गई थी टिकट, तो खैर वो टिकट तो गतवा वो भाजपा में ही रहेंगे। कह रहे हैं हम तो खुद ही कह रहे हैं कि चलो वो भाजपा वर्सेज भाजपा का मुकाबला मान लेते हैं उसको तो। और चौथी विधानसभा सीट संजय सिंह हरे आपके चुनाव में जो खेल मंत्री थे जी, सब कुछ ठीक था तो ये चार मंत्री क्यों हारे फिर? देखिए संजय जी, लोकतंत्र में जो फैसला करने की ताकत है वो जनता के पास है। जनता की, मैं पिछले 5 वर्ष जब पूरे चुनाव की तैयारी कर रहा था, मैंने एक बात महसूस करी, जनता कुछ नेताओं से नाराज हो सकती है, उनकी कार्यशैली से नाराज हो सकती है, लेकिन पार्टी से, कमल के फूल से जनता नाराज नहीं थी। ये बात मैं आपके साथ भी इंटरव्यूज में, और मैंने पहले भी अपने चैनलों से इंटरव्यूज में हमेशा मैंने एक बात बोली। और पार्टी ने जो टिकटें बदली, जैसे आज आपने बोला कि 4 हमारे नेता हार गए, पार्टी ने तो बहुत जगह टिकटें बदली, तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि उनकी वर्किंग ठीक नहीं थी क्या जो उनकी टिकट बदली गई। हमेशा संगठन एक कार्यकर्ता ही रहता है, निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हर व्यक्ति का, जो भी MLA या कोई प्रतिनिधि बनता है, उसका कार्य, जो उसका कार्यकाल होता है, उसका अवलोकन किया जाता है पार्टी के द्वारा, और कैंडिडेट्स बदले जाते हैं, उनको किसी को दूसरी ड्यूटी दी जाती है, अगर वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाए तो आज उनको दूसरा कोई दायित्व दे दिया जाएगा पार्टी द्वारा। तो मैं कहना चाहता हूँ इसमें कमी ढूंढने की बात नहीं है, जनता को लगा होगा कि उनका कार्य जो था उनकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरा तो चुनाव हार गए, पार्टी उनको दूसरा दायित्व देगी। अनिल विज आज दोपहर को वो मतगणना में पीछे चल रहे थे जी, गीत गुनगुना रहे थे, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब आगे हो गए जी, अब चुनाव में वो उनका जो ठीक बन गया है, और अंबाला डिस्ट्रिक्ट में जो है एक उन्हीं की सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे इस सब, कुछ चेंज हो गया नायब सिंह सैनी ही? देखिए नायब सिंह सैनी जी का तो हमारी पार्टी ने, जो मेरी सूचना है उसके अनुसार, पूरा चुनाव उनकी नेतृत्व में लड़ा है, और मंचों के माध्यम से ही बोला गया पहले से ही कि हमारी अगर पार्टी रहेगी फेस वो रहेगा। फिर भी ये पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका कार्य है देखने का कि वो किसको नेतृत्व सौंपना चाहते हैं। अनिल विज जी भी बहुत सीनियर हमारे नेता हैं और इतनी बार वो MLA बने, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है जी। अगर वो चुनाव में थोड़े समय पीछे रहे लेकिन वो अंतिम आज उसमें जीत के आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ ये भी जनता का उनके प्रति जो समर्थन है और जो सम्मान है, ये तो दिखने वाली चीज है कि लगातार इतनी बार जीतना, तो उनका भी पूरा राइट बनता है कहना, पार्टी के सामने अपनी इच्छा का प्रदर्शन करना कि वो भी इस जिम्मेवारी को उठाना चाहते हैं। बाकी शीर्ष नेतृत्व देखेगा, उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे। क्या लगता है, अंतिम सवाल आ रहा हूँ, कि ये आंकड़े चल रहे हैं जो जी, BJP लगभग 50 और कांग्रेस लगभग 35, यही रहेगा या कुछ बदलाव हो सकता है? मुझे लगता है इसमें 2-3 सीटें और बढ़ेंगी अभी BJP की जी, यानी कि 50 प्लस रहेगा BJP। 2014 को भी पार कर रहे हैं तो उस टाइम पे 46 सीट आपके पार्टी को मिली थी और अब 50 हो रही हैं, आप करिए और बढ़ सकते हैं जी। मतगणना जारी है, नज़र हम रखे हुए हैं, नज़र आप भी रखिएगा और बताएंगे आपको कि हरियाणा का चुनाव परिणाम क्या रहता है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।